मैं पहले आया रूहानी की तरफ, अब नाउ आई गोना टेल यू द रियल साइड ऑफ मी जो लोगों ने बहुत कम सुनी। ठीक है। मैंने एक्चुअली सियासत और शरीयत पढ़ी और तरीकत पढ़ी है। किससे? उलमा से। अच्छा। मैंने पढ़ी नहीं है। मैंने बहुत सारी जिल्दें सियासत की पढ़ ली हैं, शरीयत भी और तरीकत भी पढ़ी हुई है। ओके। फिर मैं 15 साल तक ये पढ़ते 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 16 साल तक वज़ाइफ किया था। मैं खुद नक्शबंदी से सिलसिले का हूँ। अच्छा। और मतलब सूफी जो? हाँ, सूफी। तो उससे मुझे काफी चीजें मिली। फिर दुनिया का मेला शुरू हो गया, फिर हम गुम हो गए। कितने दुनिया में मेला? 16 to 36. कुछ लोग रुक जाते हैं, थक जाते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने इसे आगे नहीं जाना, हमने रुक जाना, हमने सिडनी में भी कढ़ाई खानी। वो क्यों? Seafood. Oh, prawns and... Yeah. Everything about the sea, I love it. Okay, so you like everything. Karachi? I love Karachi. अभी मैं जा रहा हूँ तो सारे रेस्टोरेंट बुक कराए हुए हैं, उकरा समेत सारे। सब भाई हमें खाना ही खाना है प्लीज। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे। मैं एक्चुअली मैंने फिर पढ़ने के बाद मैं क्रिकेट में आया। एक्चुअली मुझे जिस मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ, मुझे असल दीन पता है, आई एम वेरी क्लोज टू इट, जिसमें सांस लेने की इजाजत है बिल्कुल और सांस लेने दो की भी इजाजत है, और बड़ा मजेदार दीन है हमारा, बड़े ही मजेदार। सो हमारे बड़े जो हैं वो कमाल शख्सियत गुजरी। आपने ये बात की स्पिरिचुअलिटी की, आपकी रिंग भी स्पिरिचुअल कोई ये है? इमाम अली अकबर सरकार अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए घोड़े से, तो मैं वहां से उनके मुझे मेरे बहुत फेवरेट है वो आबिल इस्लाम की शक्ल मुबारक शबीए रसूल हैं, और वो मांगी गई दुआ जैसे मौला अब्बास को मांगा गया, इस तरह सरकार को भी मांगा। तो मेरी उनसे खास खास उनसियत है। तो जहाँ आप घोड़े तशरीफ लाए, जहाँ इमाम अली सरकार बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, तो बर्छी निकालेगी उनके जिगर से जी। तो लंबा एक वाक्य, लेकिन मैंने वहां से उनकी कीदत से ये उठाई। ये ऑरेंज थी, अब रेड हो गई, ये ऑरेंज थी, रेड हो गई, ये हकीक है। तो ये मैं खुद मौला पाइन तनबाग का बड़ा मानने वाला हूँ। मुझे मैं अभी करबला से हो क्या, और मुझे इसादत नसीब है कि मुझे करबला का खादम मुंतखब कर लिया और मुझे कार्ड शर्ट बना दिया। एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ब्यूटीफुल। मौला अली सरकार की तरफ तो बड़ा सुकून है जी। करबला में बड़ी सख्ती है, गिरियाजारी है, सख्ती है। इट्स टफ प्लेस, यू नो, करबला इज नॉट इजी। करबला इज नॉट टू रिलैक्स, इट इज टू, यू नो, इट इज टू प्लेस देयर टू क्राई। गिरियाजारी करना पड़ती है आपको, मातम करना पड़ता है। सो मैं वहां गया और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। फिर मैं सारे अंबिया इकराम की कब्रों में गया। मैं फिर जुनेद बगदादी, सरी सख्ती, बेलोल दाना, यूसुफ नू से लेके फिर मैं आगे चलता गया सारे। आप अकेले गए थे? मैंने औलिया इकराम के बारे में बहुत पढ़ा हुआ, तो सरकारों के बारे में बहुत पढ़ा, फिर पंच तंपाक के बारे में बहुत पढ़ा हुआ, फिर मैंने आबिल इस्लाम के साहब इकराम को मिलता है शुएब टू डू ऑल ऑफ दिस रीडिंग। मतलब आपका आपके यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यू नो, यू डू कमेंट्री, आप कोचिंग करते हैं, आपको इतना टाइम कहां से आता है? आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। आपके मैनेजर आपको हर वक्त कह रहे होते हैं कि नहीं, ये तो अभी मेहताद अभी आया, उसने काम खींच के मुझे सीधा किया, तो बाल छाल मेरे कपड़े से बना देता, अदरवाइज आई वाज वेरी मलंग टाइप। नहीं, मैं बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल फारिग हूं आजकल। पाकिस्तान मुझसे कोई काम नहीं कराना चाहता, ना मुझसे कोचिंग कराना चाहते हैं, ना मुझसे सिलेक्शन कराना चाहते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल फारिग हूं। मैं सुबह उठता हूं, जिम करता हूं, आता हूं, आदर देखता हूं, काम है उनका, कोई काम नहीं, खाना खाए सो जाए, सो जाता हूँ, अल्लाह ही कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सो माशाल्लाह ने बिल्कुल फारिग करके बिठाया हुआ पाकिस्तान। अब मुझे बताएं जो रुबाब हैं, मुझे कहीं नजर नहीं आती वो, डज शी नॉट लाइक? आई एम मैरिड टू अ मौलवी जी, टिपिकल। और
ना टीवी पे आना पसंद करती है. शी लव्स ट्रैवलिंग. शी लव्स ट्रैवलिंग. ओके. एंड आई से आई एम गोना मेक श्योर दैट यू नो वी कंप्लीट आवर फैमिली. या फैमिली आपकी कंप्लीट है माशाल्लाह. दो लड़कियां आपके. दो लड़के हैं जी. नहीं बैसी शी वांट्स मोर. ओके ग्रेट. अल्लाह ने अगर हमें ब्लेस्ड किया विद मोर किड्स सो वी विल हैव दैट इंशाल्लाह विद बोथ आर्म्स ओपन. बट you know she likes traveling, would like to travel. Yeah. aur hum explore karna chahte hain. main zara khule dil dil ka banda hu. you know it's so nice kyunki aap aapne kaha aap khud liberal progressive insaan hai to aap unko bhi unke sath bahut relaxed hain. haan ji. aur wo karti hain apna kaam karti hain. aap koi sawal jawab kam nahi hote zyada. i think I've met with the most friendliest girl that I've come across. i think I'm blessed with the women that you know a girl not a woman girl You know, को मुझे तंग नहीं करती. कुछ भी नहीं कहती. खाना है खा ले सोना है सो जाए. बट वी हैव टू गो आउट टुगेदर. सक्सेस का फॉर्मूला ही यही है. यू गिव ईच अदर स्पेस एंड यू लिव एंड लेट लिव. मुझे एक बात बताएं माशाल्लाह यू आर सच अ ह्यूज नेम. अभी तक आपका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा. अब जब वालिद किसी के बहुत बड़े हों तो अक्सर वो कहते हैं अपने बच्चों को कि तुम इस फील्ड में ना आओ. अब आपके जो दो बेटे हैं वो आपको आइडियलाइज करते हैं. आपको टीवी पे देखते हैं. आप जहाँ जाते हैं लोग आ जाते हैं सेल्फीज लेने. तो अगर मुजद्दद साहब और मिकाइल साहब क्रिकेट में आना चाहें और बॉलिंग में आना चाहें तो आप उनको क्या कहेंगे? उनको दो चीजों की इजाजत होगी जिसमें कभी आपने रुकना नहीं. एक सच बोलने की और एक गलती करने की. ब्यूटिफुल. जो दिल करता है कर. गलती होगी हाथ खड़ा कर. गलती होगी डैडी बाबा कहते मुझे बाबा गलती होगी माफ. दैट्स इट. बट क्रिकेट में आप चाहेंगे वो क्रिकेट में जो दिल करता है. अच्छा. जो दिल कहता है वो कर. कोई प्रेशर नहीं है. बाप तेरा फेमस था तू कुछ भी ना हो तो मेरा बेटा है. अगर वो सिंगर बनना चाहे वो प्लीज गो फॉर इट. ब्रिलियंट. मुझे लगता है वो फिल्म स्टार ही बने. जितनी खूबसूरत शक्ल है उसकी. स्वीट. तो जो दिल करना है बने उसने. मुझे कोई मतलब है. दीन मैं पढ़ा दूंगा. सही वाला दीन पढ़ा दूंगा. उसको तारुफ करा दूंगा और उसको एजुकेशन दे दूंगा. उसको तरबियत कर दूंगा. सच बोलना सिखा दूंगा. और आबिल इस्लाम मौला पंचतन पाक की तारुफ करा दूंगा और उसको लेके जाऊंगा. मैं उसको जो तीन चार चीज़ें कराना चाह रहा हूँ मिकाइल मुजद्दद को. और अगर अगला बेटा हुआ तो इंशाल्लाह उसका नाम इमाम अली अख्तर रखूँगा. तो मैं अगर हुआ तो उसको मैं वाइल्ड लाइफ दिखाना चाहता हूँ. क्योंकि मैंने खुद ट्रैकिंग की है. मैं खुद वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा शदाई हूँ. ठीक है जी. मुझे ट्रैकिंग करनी है. मुझे जानवरों के पीछे जाना है. मुझे ये भी पता है वाइल्डबीस्ट घास की टिप खाता है फिर उसका मिडल वाला जेब्रा खाता है फिर जड़ वाला हिरन खाता है. उनकी आंखें इसलिए ऊपर होती हैं ये कलर ब्लाइंड है जेब्रा. अच्छा जी ये नाइट विजन वाले हैं इनको इस तरह नजर आता है. शिकार का शौक है? ना 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 प्रिजर्वेशन सर. शिकार नहीं. शोएब यू आर सच अ मॉडर्न मैन. नो नो आई डिडंट नो यू आर सच अ मॉडर्न मैन. मुझे बहुत गलत तरह से प्रोटेक्ट किया गया दुनिया में. मतलब मुझे वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत मुझे बिग कैट के साथ बहुत. इस्लामाबाद में तो लेपर्ड्स देखे होंगे आपने. लेपर्ड्स जब देखते हैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ. कॉलर बोन्स कह रहा हूँ. रेडियो कॉलर्स बनाना चाह रहे ताकि ट्रैकिंग हो सके. जाते कहाँ हैं खाते क्या हैं डाइट क्या है उनकी. मैनेटर तो नहीं बन रहे. मैनेटर तो है नहीं. रॉयल बंगाल के साथ मैंने काम किया हुआ सुंदरबन में. वो डीप इन द 2500 ऑफ आयरलैंड में मैं गया हूँ अंदर. तो 25 साल पुराना मंदिर. वो मैं अंदर ऑब्वियसली नहीं गया. आई वॉज पेइंग रिस्पेक्ट यार मुसलमान अंदर चला जाए. तो वो हिंदू पूजा वगैरह कर रहे थे. मैं बाहर खड़ा था. मैं जी मैं देखना चाहता हूँ ये 2500 साल पुराना है. जी हाँ जी. अच्छा तो मैंने जो माइग्रेशन होती है मसाई मारा से जी टूवर्ड्स मारा रिवर टू सेरेंगेटी ये 500 किलोमीटर का एक फेरा होता है. सो आई ट्रैक दैट. I went for safari with a lot of animals. It's 1.2 million. आप अकेले गए थे या friends के साथ? नहीं पूरी National Geographic team थी. Oh, so did you? Unofficially, I was working with that because I was touring with Pakistan. Okay. मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ. सही. सब उनको बताया नहीं. So मैं इसलिए भागता था. सबने clubbing में party हटी कर रहा होगा. आप जाके animals के पीछे जा रहे थे. Animals के साथ था. मैं most of the time मेरा जो time गुजरा है रातों को वो hospitals में गुजरा है खेलते वक्त. तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे लोगों के. आई वाज पार्टिंग. आई वाज नॉट डिसिप्लिन्ड. मैं जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है वो कह देता हूँ. लोगों के फायदे की बात करता हूँ. कोशिश करता हूँ कि जितना फायदा हो सके पहुँचाएं. हमारे बच्चे जो क्रिकेटर्स हैं वो तंग ना हो. वो हिंदू है मुसलमान है. हमारे राजेश थे मेरे ड्राइवर थे तो वो सुबह 5 बजे आते थे मुझे छोड़ने. तो वो 5 बजे लेने आते थे फिर वो रात को 10 बजे आते थे. मैं राजेश भाई आप कहाँ रहते हो? तो कहते मैं नई मुंबई रहता हूँ. राजेश भाई वो तो बहुत दूर है. कहता भाई वो तकरीबन लग जाता है 3 घंटे इधर 3 घंटे उधर.
राजेश भाई फिर आप 12 घंटे तो मेरे साथ रहते हो। सही। तो मैंने पहली दफा कोड ऑफ कंडक्ट तोड़े स्टार स्पोर्ट्स के। सो आई व्हाट आई डिड कि मैं हिंदुस्तान से पैसा कमा रहा हूँ। क्या कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा आपने? कि आप किसी को अपनी सैलरी नहीं दे सकते विद इन द कॉर्पोरेशन। तो मैंने कहा भाई ये बात सुनो, अब मैंने चोरी छुपे सबको 150-200 बंदों को इकट्ठा किया स्टार स्पोर्ट्स का। अब मैं पहले दफा बता रहा हूँ अगेन, मैंने इकट्ठा किया। राजेश भाई आपकी तनख्वाह कितनी है? कहता भाई 15,000। मैं राजेश भाई इसमें बनता क्या होगा, बीवी बच्चों क्या होगा, नई मुंबई से आप आते हो और 12 घंटे आप मेरे साथ। कहता भाई ऐसी जिंदगी है। मैंने कहा नहीं, आप जितनी तनख्वाह है उसका डबल मैं करता हूँ या ट्रिपल करता हूँ। मैं 150 बंदों को किया, 150 बंदों को लिया, आउट ऑफ पॉकेट दिया उनको। मेरी जो सैलरी थी उसका मैंने कोड बना लिया था कि मैं 30% इंडिया में छोड़ दिया, मैं 25% टैक्स दूंगा, 30% में छोड़ के आऊंगा। वाओ। ताकि ये हिंदुस्तान को ये ना लगे कि यार यहाँ हमारे से कमाता और हम पे लगा के नहीं गया।